हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट ड्राई फ्रूट बर्फी। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बनके एक स्वीट रेडी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट डाउन करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर कोकोनट पाउडर ले रही हूँ। 3 कप मैंने यहाँ पर कोकोनट पाउडर लिया है। पहले मैं इसको जार में इसका पाउडर बना लेती हूँ। ये थोड़ा सा मोटा है पाउडर, हम इसको थोड़ा सा बारीक पाउडर हमें लेना है। बिल्कुल हमें बारीक पाउडर जो आता है मार्केट में वो ले सकते हैं, या आपके पास घर पे कोकोनट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसका ब्राउन पार्ट आप निकाल लें, देन उसको आप ग्रेट कर लें। आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा स्मूथ एक पाउडर बन के रेडी हो गया है। अब हम एक पैन ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून ऑयल ऐड करा है। हम ऑयल यहाँ पर कम ऐड कर रहे हैं क्योंकि कोकोनट में भी ऑयल होता है। मैं यहाँ पर कोकोनट पाउडर अपना ऐड कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोकोनट जो है वो ऐड कर दिया है। मैं इसको 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, इसकी जो फ्लेम है वो आपको लो ही रखनी है। लो फ्लेम में इसको आपको हल्के हल्के हैंड से भूनना है। आप देख सकते हैं ये लगे ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसको आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। इसमें से ये खुशबू आने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा कोकोनट पाउडर है वो भुनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसको आपको कंटिन्यूसली भूनते रहना है। अच्छे ये फ्राई हो जाएगा। मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। 2 कप मैंने यहाँ पर सेम बाउल आपको यूज़ करने हैं। सेम 2 बाउल मैं यहाँ पर शुगर ले रही हूँ। सेम 3 बाउल हमने कोकोनट पाउडर लिया था, वही सेम बाउल हमने 2 कप यहाँ पर शुगर ली है। हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 कप मिल्क ऐड करूँगी। सेम ही मैंने यहाँ पर बाउल लिया है, तो सेम हमें 1/2 बाउल यहाँ पर मिल्क ऐड कर रही हूँ। हमें इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। इस बर्फ़ी में सामान बहुत ही ज़्यादा कम लगता है और टेस्ट इसका 2 गुना टेस्ट आता है, बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। इसकी जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम फ्लेम करी है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अभी धीरे धीरे से जब ये अच्छे से भुनने लगेगा तो इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर आ जाएगा। कोई कह ही नहीं सकता है देख के कि ये कोकोनट बर्फ़ी है। बिल्कुल ये मावा जैसी, जैसे मावे की बर्फ़ी होती है ना, सेम वैसी बर्फ़ी बनके रेडी होती है। आप देख सकते हैं मैं इसको कंटिन्यू चलाती रह रही हूँ। आपको इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून फ्रेश मलाई, जो हमारे दूध के ऊपर मलाई आती है ना, मैं वो फ्रेश मलाई यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर फ्रेश मलाई ऐड करी है। मैं इसको कंटिन्यूसली चलाते रहूँगी। हमें इसको 5 मिनट तक चलाते रहना है कि खुद ही थोड़ी थोड़ी सी थिक होने लगेगी और कढ़ाई से हटने लगेगी, तो आपको अंदाज हो जाएगा कि हमारी जो बर्फ़ी है वो बन के रेडी हो गई है। जो भी मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ करे हैं अपनी बर्फ़ी की रेसिपी में, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट डाउन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आप मुझे फेसबुक ग्रुप पे और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इलायची पाउडर आपको ज़रूर ऐड करना है। इलायची पाउडर ऐड करने से बर्फ़ी का एक टेस्ट कह देते हैं या खुशबू कह देते हैं बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इलायची पाउडर ज़रूर ऐड करें। ऑलमोस्ट ये 15 मिनट में आपकी जो कोकोनट बर्फ़ी है वो रेडी हो जाती है बन के बहुत ही जल्दी से। आप देख सकते हैं मैं इसको कंटिन्यू चलाती है ही हूँ जिससे कि ये लगे ना बिल्कुल भी। इसका जो कलर है आप देख सकते हैं पहले से चेंज हो गया है। इसका जो कलर है वो धीरे धीरे से थोड़ा डार्क हो जाएगा, ब्राउन कलर इसका हो जाएगा, आप देखते रहें आप, क्योंकि गोला जो है वो दूध के साथ अच्छे से भुन रहा है, फ्राई हो रहा है, तो थोड़ा सा कलर चेंज होता है।
अब देख सकते हैं धीरे धीरे से थिक हो गया है। हमारी जो बर्फी का जो बैटर है वो बनके बहुत ही जल्दी से रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो कढ़ाई से बिल्कुल ही हट गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये कढ़ाई से हट रहा है। तो यही इसकी एक देखने में पहचान है, बिल्कुल आपकी जो कढ़ाई है उससे ये हटने लगेगा तो हमारा जो बैटर है वो बन के रेडी हो गया है। मैं इसको अब एक प्लेट में फैला देती हूँ। हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे फैला के। मैंने गैस फ्लेम ऑफ कर दिया, मैंने अपनी जो प्लेट में इसको अच्छे से फैला लिया है। मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बादाम ऐड कर रही हूँ, आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर बादाम ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बादाम को दबा दूँगी जिससे कि हमारे जो बादाम है वो भी सेट हो जाएंगे अच्छे से और निकलेंगे भी नहीं। मैं इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी जिससे कि ये सेट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। चलिए हम इसको अब जल्दी से कट कर लेते हैं, मैंने आपको पास से दिखा दिया है। हमारी जो ड्राई फ्रूट बर्फ़ी है वो बन के रेडी हो गई, मैं इसको कट कर लेती हूँ। हमारी जो बर्फ़ी है मैं जल्दी से कट कर लेती हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बड़े पीस या छोटे पीस में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की अपनी बर्फ़ी कट करके रेडी कर रही हूँ। इसका जो घी है देख लीजिए, हमने 2 स्पून ही घी डाला था, वो भी सब घी साइड में आ गया है, तो हमें इसमें 2 स्पून घी ऐड करना है, ज़्यादा घी आपको ऐड नहीं करना है। आप देख सकते मेरी बर्फ़ी जो है बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गई है। मैंने इसको सर्व कर लिया है एक प्लेट में। कितनी अच्छी बन के हमारी बर्फ़ी रेडी हो गई है। आप इसको 8 से 10 दिन तक अच्छे से रख के खा सकते हैं, ये बहुत ही टाइम तक अच्छे से चल जाती है। आप इसको फ्रीज़ में रख लें तो बहुत ही टाइम तक चल जाती है। चलिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।